दोस्तों ये मैच में आपको ये दो प्लेयर जिता सकता है ग्रैंड लीग। ग्रैंड लीग खेलोगे तो इनको कैपवीसी जरूर ट्राई करना, बट ग्रैंड लीग पे स्मॉल लीग पे नहीं। टीएस विनील, इनको तो मैं स्मॉल लीग में एज अ प्लेयर भी रखूंगा। बोथ कंडीशन एज अ बॉल फर्स्ट बॉल सेकंड, दोनों कंडीशन में सेफ है। स्लाइटली बॉल फर्स्ट ज़्यादा सेफ है, कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। लोअर ऑर्डर हिटिंग से शुरू करके दोस्तों विकेट टेकिंग, बॉल, डेथ बॉलिंग सब कुछ कर सकता है विनल। और उसी के साथ AKA, मैं इनके बारे में ना नीचे स्टैट्स में बताऊंगा जब हम लोग डिटेल्स में कवर करेंगे। एक और डिफेंशियल प्लेयर बन सकते हैं, क्यों बनेंगे और दोस्तों क्यों ये प्लेयर इंपॉर्टेंट है, ये बैटिंग सेक्शन में मिलेगा आप। दोस्तों अरुण के बैटिंग सेक्शन से एक बड़ा स्कोर बना सकता है, मैं हम लोग डिस्कस करेंगे एनालिसिस सेक्शन में, जाके देखना जरूर, जाके मतलब कि अभी हम लोग एनालिसिस करेंगे। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 100 लाइक्स 100 कमेंट्स का छोटा सा टारगेट है, अचीव करा दो दोस्तों, और ताकि मैं अगले जो मैचेस होगा उसका फाइनल अपडेट और डेमो टीम आपके साथ शेयर कर पाऊँ टेलीग्राम पे। 100K सब्सक्राइबर अभी टारगेट है, इसको अचीव करने के लिए मैक्सिमम मैचेस स्पेशली एसोसिएट्स के कवरेज लाएंगे हम लोग। तो इस चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन गो ऑन, और फाइनल कवरेज के लिए टेलीग्राम जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक एडेड है। चलते हैं एनालिसिस पॉइंट। दोस्तों KOL वर्सेस TRI 9 बजे इंडियन टाइम स्टार्ट होगा, कोल्लम वर्सेस त्रिशूर के बीच होगा मैच, सेंट जेवियर्स कॉलेज ग्राउंड थुम्बा में। 155 यहाँ पे ऑन एवरेज बनते हैं। 23 मैचेस डन, 9 बैट फर्स्ट 13 बैट सेकंड ने विन किया टूर्नामेंट में। KOL से अगर देखोगे तो दोस्तों अथुलजीत एम अनु ओपन करेगा राहुल शर्मा के साथ, फिर अक्षय मनोहर, सचिन PS, अनास नज़ीर, कुछ होगा टीम का बैटिंग ऑर्डर। अगर आप यहाँ पे देखते हो अथुलजीत एम अनु, लास्ट ईयर NSK ट्रॉफी में सिर्फ 13 का एवरेज था, 14 का एवरेज है KCM में, बट डोमेस्टिक में 33 का एवरेज ठीक ठाक है। मस्ट पिक तो नहीं है बट ठीक ठाक चॉइस है, स्पेशली वाइल्ड चेजिंग में स्लाइटली ज़्यादा बिटर मानता हूँ। फर्स्ट इनिंग्स में थोड़ा सा मॉइस्चर रह सकता है, बट हाँ बहुत ज़्यादा नहीं है जो बैटर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा। एक आइडियली दोस्तों बैटिंग वेन्यू ही मान के चल सकते हो आप इस वेन्यू को, जहाँ पे 150-160, क्योंकि इंडिया में डोमेस्टिक में रन थोड़े से कम बनते हैं, उसके मुकाबले यहाँ पे ना रन ठीक ठाक बन रहा है, यूज़ कर सकते हो अपने टीम में प्लेयर्स को, बैटर्स को भी। राहुल शर्मा 0 बनाया था NSK में, 20 का एवरेज था 4 मैच में, KCA में 11 का एवरेज बना, जो नेक्स्ट टूर्नामेंट हुआ उतना भी खास ऑप्शन लगा नहीं। बट यार अगर अथुलजीत एम अनु, जिसका एवरेज उनसे भी कम है और राहुल से भी कम है, अगर अच्छा खेल सकता है तो राहुल भी अच्छा खेल सकता है, वो मैच के ऊपर डिपेंड करेगा। सचिन PS 13 रन बनाया, बट अगर ऑनेस्ट बात बताऊं तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं दिखेगा, जिस रीज़न से इस टीम का बैटिंग यूनिट थोड़ा सा मुझे वीकल लग रहा है। अनास नज़ीर 8 रन बनाए थे NSK ट्रॉफी में 3 मैच में 37। शरुण SS 35 रन बनाया NSK ट्रॉफी में 23, 2023 में 2 मैच में 4 ही रन, KCA T20 2022 में 10 में 41 नोट करेंगे। अमाल AG 2 ओवर 0 विकेट 44 रन, ठीक ठाक प्लेयर है KCA में दोस्तों, इसने 18 ओवर में 2 विकेट निकाला। मस्ट पिक तो नहीं है बट डिफेंशियल ले सकते हो, लोअर ऑर्डर में रन बनाया, अगर 4 ओवर डालता तो मैं मस्ट पिक बोलता। TS वनील, ये ना बहुत अच्छा बैटिंग करता है, बहुत अच्छा हिटिंग करता है, NSK ट्रॉफी में 3 मैच में 20 रन 12 ओवर 2 विकेट, उसके बाद KCA में उतना अच्छा फॉर्म रिसेंट नहीं है, बट क्वालिटी वाइज ठीक ठाक प्लेयर है। अश्वत एस शंकर 4 ओवर में 2 विकेट निकाला, लेफ्ट स्पिन बॉलर है, ले लेंगे हम लोग। 4 मैच में NSK में 14 ओवर 5 विकेट, अशिक को इग्नोर करेंगे। अजय घोष NS 4 ओवर में 2 विकेट, वेरी डिसेंट और नाइस चॉइस, बैक कर सकते हैं स्पेशली बॉल फर्स्ट, डेथ में आएगा लास्ट मैच में, मुझे भी दोनों विकेट डेथ में निकाला था लास्ट में। अंशद एस राइट एम फर्स्ट 3 ओवर में 1 विकेट निकाला था, KCA में लास्ट सीजन 2 मैच में 6 ओवर करे थे, विकेट लेस थे। ओपनिंग बॉलिंग विनील, अंशद और अजय घोष, डेथ में अजय घोष, विनील और AS शंकर करते हुए दिखे थे। ये ओवर डिस्ट्रीब्यूशन, विनील 1-3 19 दो ओवर, अंशद 2-4-6, अजय घोष 5-15-18 और 20, मतलब डेथ में आया था अजय घोष 2 ओवर लेके, विनील 1 ओवर डाला था, शंकर ने 11-17, मनोहर मिडिल ओवर डाला था, अमल AG। दोस्तों अक्षय मनोहर बैट बॉल दोनों से पॉइंट दे सकता है, कैपबीसी बना सकते हो, बढ़िया कैपबीसी ऑप्शन है। कहाँ गया अक्षय मनोहर भैया, ये रहा, 4 ओवर में 1 विकेट निकाले थे 0 रन, बट NSK ट्रॉफी में उससे पहले 4 मैच में 94 रन 13 ओवर 2 विकेट, ये ना पहले तो बॉलर था फिर बना ऑलराउंडर, अब तो ये बॉलिंग ज़्यादा कर रहा है कम्पेयर टू बैटिंग। ये कुछ बेंच में प्लेयर बैठे हुए चेकआउट कर सकते हो, अखिल एम बहुत अच्छा प्लेयर है, खेलता है तो ले लेना, कई और भी प्लेयर्स हैं यहाँ पे देख सकते हैं। आते त्रिशूर के तरफ, आदिदेव ओपन करेगा, रिया बशीर, अरुण के, पवीन शिरदर, कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बैटिंग यूनिट तो नहीं है। आदिदेव TG 35 रन बनाया NSK ट्रॉफी में लास्ट, 23 का एवरेज था, 139 रन थे 6 मैच में केवल।
केसीए में 17 का एवरेज था, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था इसका, ना रिया बशीर का था, 24 का एवरेज था केसीए में 8 मैच में 194 रन। डोमेस्टिक एवरेज अच्छा है इसका, 40 का है और आदिदेव का 30 का है, ठीक ठाक। अरुण के, इसके बारे में मैंने बताया था, डिफेंशियल 4 मैच में 59 का एवरेज, 178 था केसीए में, बहुत अच्छा सीजन गुजरा था केसीए, टीसीएम में भी 34 का एवरेज था। डोमेस्टिक में अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, बट यार अच्छे मैचेस में, बड़े मैचेस में स्पेशली अच्छा परफॉर्मेंस है, ले सकते हैं हम लोग अपनी टीम में इन प्लेयर्स को। और डिफरेंशियल कैप बीसी नहीं, कैप बीसी मत बनाओ, बट एज अ प्लेयर अरुण के जैसे प्लेयर्स को ट्राई कर सकते हो, लास्ट ईयर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था इनका। पवन श्रीधर 29 का एवरेज, 29 बना था, 14 का एवरेज था इससे पहले, इग्नोर करेंगे। उज्ज्वल कृष्णा 8 मैच में 24 का एवरेज, 197, लास्ट मैच में फ्लॉप, बहुत बैटिंग नीचे हुआ था। अब देखो मेरा टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन था विनोद कुमार, जिसने 4 ओवर में 2 विकेट 20 रन, मैच फिनिश किया था इस बंदे ने। शरफुद्दीन एनएम, ये एक ऑलराउंडर है, ये दोनों स्टेट का प्लेयर है, और मैं आपको पता है स्टेट के प्लेयर के ऊपर मैं थोड़ा सा बायस हूँ, सेफ लगता है मुझे सबसे ज़्यादा, बॉल फर्स्ट हुआ तो इन बॉलर्स को कैप बीसी ट्राई करेंगे, विनोद कुमार शरफुद्दीन एनएम, दोनों बैट बॉल दोनों से वैल्यू दे सकता है, और स्पेशली बॉल फर्स्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पावर प्ले डेथ करेगा, लोअर ऑर्डर हिटिंग दोनों कर लेता है, विनोद भी करता है शरफुद्दीन भी करता है, दोनों मस्ट पिक प्लेयर है, जहर पीक है, कतई जहर पीक है। शरफुद्दीन शायद 6 मैच में 17 विकेट नहीं, 6 मैच में शायद 7 विकेट था, 7 या 9 मिस्टेक हुआ शायद। आदित्य के 2 ओवर में विकेट लेस, एनएसके में 6 मैच में 12 ओवर, देखो ओवर देखो 6 मैच में 12 ओवर, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि बॉलर है उठा लो ऐसा नहीं है, ओवर देख लो कितना डालता है, एनएसके में 6 मैच में 12 डाला, इधर भी पहला मैच में सिर्फ 2 ही ओवर डाला। अर्जुन वेणुगोपाल, एनएसके में 8 मैच में सिर्फ 14 डाला था, बट इधर 4 ओवर में 4 डाला। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है पता है, ये जो बंदा है ना आदित्य के, ये राइट आर्म मीडियम है, टीम के पास 2 स्टेट का राइट आर्म मीडियम है, शरफुद्दीन विनोद, हाई चांस से ओवर कंप्लीट करेगा, उसके बाद इसका चांस आएगा, ठीक है। इसके पास एक सिबिन पी गिरीश बोल के एक राइट आर्म मीडियम एक और है जो पार्ट टाइम बॉलिंग करता है, 5 मैच एनएसके में 11 ओवर 6 विकेट निकाला था, ये भी थोड़ा बहुत ऑलराउंडर ही है, बट अगर देखते हो यहाँ पे ये 4 पेसर हो गया, इस रीजन से मैंने ना वेणुगोपाल को लिया था, क्योंकि इस टीम के पास 2 ही स्पिनर था, वेणुगोपाल और मोहन सब ले रहे थे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, तो मुझे लगा कि वेणुगोपाल विकेट ले सकता है क्योंकि लेग स्पिन बॉल डालता है, और एग्जैक्टली इसका ओवर भी कंप्लीट हुआ और विकेट भी मिला लकीली, और बहुत ही लेट सिलेक्शन था, तो ये एक होता है बात एक्सपीरियंस का, इसलिए मैं बोलता हूँ इस चैनल को आप एक मैच के लिए सब्सक्राइब करोगे तो शायद आपको कदर नहीं समझोगे इस चैनल का, बट अगर आप लॉन्ग रन के लिए सब्सक्राइब करते हो, चैनल के साथ जुड़े रहते हो, तो दोस्तों आपको बहुत कुछ पता चलेगा, बहुत कुछ समझ आएगा जो आपको फैंटेसी में ओवरऑल अपने फैंटेसी करियर में दोस्तों हेल्पफुल होगा, ना कि सिर्फ एक मैच का दोस्तों यूजफुल होगा, जो अक्सर आपको टीम प्रोवाइडर्स लोग प्रोवाइड करते हैं, बट हम लोग करते हैं यहाँ पे एनालिसिस वो भी प्रॉपर। हो गया ओपनिंग बॉलिंग विनोद शरफुद्दीन सिबिन कराएगा, डेथ में शरफुद्दीन विनोद सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये देखो डेथ बॉलिंग पावर प्ले डेथ पावर प्ले डोथ सबसे ज़रूरी ओवर्स डालेगा सिबिन पी, यहाँ पे एक मिलो डेथ डाला था अर्जुन भी एक 16th 18th ओवर 2 अच्छा ओवर डाला, ये जो होता है ना 16, 17, 18, 19, 20 ये डोमेस्टिक में यहाँ पे बहुत विकेट गिरता है, लास्ट पांच में उच्च में विकेट गिरता है, और ये ओवर डलवाता है कैप्टन, ये उस बॉलर को डलवाता है जिस बॉलर से विकेट चाहिए होता है, कैप्टन को अगर अच्छा बॉलर को डलवाया तो सही है, अक्सर आपको देखना कि वीकर बॉलर भी विकेट ले जाता है, क्यों इस टाइम पे बॉल डालेगा तो विकेट लेने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कृष्ण कुमार लिस्टे में 4 मैच 33 ओवर 3 विकेट खेलता है तो मस्ट पिक होगा। अलतीफ बिन अशरफ 1 मैच कुछ खास किया नहीं है, एशिया में 9 मैच में 17, ये 9 मैच में 17 यार 17 मेरे से मिस्टेक हो रहा है क्या, यहाँ पे कई और प्लेयर्स है रिकॉर्ड चेकआउट कर सकते हो, खेलता है तो यूज़ कर सकते हो इसको, इसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है अलतीफ का, देखो 0-2-3-1-4 अच्छा फॉर्म में था। फिलहाल ये रहेगा कवरेज इस मैच का, कुछ भी और अपडेट हुआ नेक्स्ट मैच के कवरेज अपडेट डेमो टीम शेयर होगा टेलीग्राम पे, जुड़ना है दोस्तों आपको टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक एडेड है। चलते हैं ड्रीम इलेवन टीम, दोस्तों फिलहाल जो मेरा ड्रीम इलेवन टीम रहेगा, देखो मुझे 3 का ना बॉलिंग यूनिट ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है, 1-2 स्टेट का प्लेयर 2 बहुत अच्छा स्पिनर, तो इधर से मैंने कैप बीसी बनाया, तो इनका ही विकेट कीपर को मैंने एज अ प्लेयर लिया, आफ्टर टॉस रोटेट कर सकते हो कोई बात नहीं चाहो तो। अजय घोष को लिया, अमल को लिया, मनोहर को लिया, एस शंकर है, टी एस विनील है, दोनों टीम का बॉलिंग यूनिट अच्छा है, बैटिंग यूनिट वीक है, ये टीम स्लाइटली स्ट्रॉन्गर लगा तो इनका एक ओपनर को ट्राई किया, और इनका पावर प्ले बॉलिंग ज़्यादा अच्छा है तो इनका जो पावर प्ले का बैटर होगा KOL का इनको दिक्कत ज़्यादा हो सकता है, तो यहाँ पे विकेट ज़्यादा गिर सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैंने ये टीम कॉम्बिनेशन के साथ गया। फिलहाल ये रहेगा टीम, आप चाहो तो इनके विकेट कीपर को भी ऐड कर सकते हो। कुछ भी और अपडेट हुआ इस मैच का अगले मैचेस का शेयर करूंगा टेलीग्राम पे, जुड़ना है टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक एडेड है। थैंक यू दोस्तों।